नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इस वक्त देश में अगर सबसे ज्यादा किसी जांच एजेंसी के मनमानेपन की चर्चा होती है तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ईडी। और ईडी के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप तो विपक्ष लगाते ही रहते हैं कि इनकी तो भाई मौत चल रही है, जब चाहें जिसे चाहें गिरफ्तार कर लें, सबूत रहे ना रहे वो बाद में गड़े जाएंगे। लेकिन इस बीच भरे कोर्ट रूम में एक जज ने ऐसा सच कबूला है, ऐसी बातें कह दी है, जिसके बाद ईडी के वकील भागे भागे हाई कोर्ट पहुंचे, क्योंकि उस जज के बयान ने उन्हें उस केस से भी बाहर कर दिया था। केस दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब केस ट्रांसफर किए जाने की जो चुनौती है वो हाई कोर्ट में पड़ी, तो फिर वहां पर बवाल मचा है। पूरा मामला आप समझना चाहेंगे कि हुआ क्या है। दरअसल कोर्ट रूम में जज साहब ने कह दिया कि ईडी का केस है भाई, इसमें कौन सी जमानत मिल जानी है। मतलब उन्होंने यह सच कबूला कि ईडी का अगर केस हो गया तब तो आपकी जिंदगी नरक हो गई, आपको जमानत नहीं मिलने वाली, आप चक्कर लगाते रहोगे, आप हर अदालत में जाओगे, ट्रायल कोर्ट में जाओगे, स्पेशल कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हर जगह आपको निराशा हाथ लगेगी। क्योंकि इस केस में ईडी के वकील कहेंगे हम सबूत ढूंढ रहे हैं, हमें मिल जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है कि वो दोषी हैं, तो जज साहब कहेंगे ठीक है आप समय लेते रहिए, कितना चाहिए, साल भर, दो साल, चलिए दो साल में कर लीजिएगा। मनीष सिसोदिया के साथ क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। आइए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि दरअसल मामला है क्या। यहां कहा गया है दिल्ली हाईकोर्ट रिजर्व्स जजमेंट इन ईडीज प्लिया अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ केस आफ्टर जज सेड ईडी मैटर्स में कौन सी बेल होती है। दरअसल ईडी के तरफ से एक याचिका हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई कि वहां ट्रायल कोर्ट में एक जज से केस दूसरे जज को इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उस जज की मानसिकता यही है कि ईडी का केस है तो भाई जमानत कौन सी मिल जाती है, इसमें ईडी के मैटर्स में बेल नहीं होते। अब जज साहब ने अगर पहले पूर्वाग्रह यह ले रखा है कि हमें फैसला करना ही नहीं है, ईडी का केस होगा जमानत खारिज करेंगे, जाने हमारे ऊपर की अदालत, तो फिर क्या होगा इस देश में। फिलहाल ऊपर की अदालत में भी राहत मिल जाए ईडी के केस में बहुत मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल बहुत लकी थे कि उन्हें राहत दे दी गई, नहीं तो ईडी के मैटर्स पे कोई ना कोई अड़ंगा लगाकर हेमंत सोरेन हो या मनीष सिसोदिया हो, ईडी के वकील ही अपने फेवर में फैसला पाते हैं, नहीं तो इन लोगों को राहत नहीं मिलती। ना चुनाव प्रचार करने के नाम पर अंतरिम जमानत दी जाती है ताकि 10-15 दिन बाद सरेंडर भी कर दे, ये राहत भी नहीं मिलती, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। देखिए इस केस में आगे हुआ क्या है, पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना एक फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक याचिका लगाई है, चैलेंज किया है कि ट्रायल कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें जो प्रोसीडिंग्स है वो ट्रांसफर कर दिया गया किसी और जज को। पूरा मामला है भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें एक जज से दूसरे जज को यह केस ट्रांसफर किया गया है क्योंकि जो एक आरोपित है उन्होंने यह आरोप लगाया है जज पर कि जज ने एक कमेंट पास किया जिसमें यह कहा गया था कि ईडी मैटर्स में कौन सी बेल होती है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि यह केस किसके पास गया, यह केस दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास गया है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के मामले में भी राहत देने से इनकार कर दिया था, उनके पास भी ईडी का ही केस पहुंचता है, तो लिहाजा यह मामला भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास पहुंचा। और वह इस केस को देखने के बाद फैसला सुरक्षित रख ली, सुनवाई के बाद कहा कि इसमें ऑर्डर पास करना बड़ा कठिन होगा लेकिन हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारे बारे में भी सोशल मीडिया में बहुत कुछ कहा जाता है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कि हमें भी लगता है कि अब जजों के लिए एक पीआर रखना पड़ेगा जो इन ट्रोल्स को जवाब दे सके कि जजों पर इस तरीके से जो बातें बनाई जाती हैं उस पर कोई करारा जवाब देने वाला होना चाहिए। खैर मुद्दे पर आते हैं, देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। यहां लाइव लॉ ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है हम पूरी खबर उसी के आधार पर आपके सामने रख रहे हैं कि कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग वाला आवेदन आरोपी अजय एस मित्तल द्वारा दायर किया गया था,
उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनकी जमानत याचिका न्यायाधीश के समक्ष लंबित थी तो एक बार जब वकील अदालत कक्ष से चले गए तो उनकी पत्नी ने न्यायाधीश को यह कहते हुए सुना, लेने दो तारीखें, ईडी के मामले में कौन सी जमानत होती है। इसके बाद कोर्ट स्टाफ ने कुछ पूछताछ की, मतलब जज की मानसिकता देखिए, जज ने तय कर रखा है, निचली अदालतों ने तो हाथ खड़े कर रखे हैं, भाई ईडी का केस है, ऊपर वाले देखें, हम क्यों सुने। और यही बड़ा मुद्दा बन गया। ईडी की ओर से उपस्थित विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि मामले के स्थानांतरण का एकमात्र कारण यह था कि आरोपी की पत्नी ने न्यायाधीश को यह कहते हुए सुना था कि ईडी के मामलों में जमानत नहीं मिलती, और इस आधार पर वहां जज से केस ट्रांसफर कर दूसरे जज को दिया गया था, और इसी मामले में चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट ईडी के वकील पहुंच गए, क्योंकि उनका पसीना छूट गया कि ईडी के मामले में जो बातें कही जा रही हैं वो अब जज भी उसे आत्मसात करने लगे हैं। आत्मसात करने का मतलब है कि जज ने यह सच कबूल लिया है कि आप अगर ईडी के फेर में एक बार पड़ गए तो जमानत की बात तो भूल ही जाइए। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि ना तो वकील ने न्यायाधीश की टिप्पणी सुनी, ना ही इसके समर्थन में कोई हलफनामा दायर किया गया। उन्होंने कहा कि पत्नी की बात को निचली अदालत ने ईश्वरीय सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, और संबंधित न्यायाधीश से ना तो कोई रिपोर्ट मांगी गई थी और ना ही कोई सत्यापन किया गया था। लेकिन अगर पत्नी ने बातें सुनी तो आप उन्हें गलत ही क्यों कहेंगे। उन्होंने गलत क्या कहा, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि हमारे केस में हमें जमानत ही दे दीजिए। उन्होंने तो यही कहा ना कि जज साहब को मैं यह कहते सुनी हूं कि ईडी के केस में जमानत नहीं मिलती है, जितनी तारीखें लेनी है लेने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर जज साहब ने ऐसा कहा तो ट्रायल कोर्ट में केस एक जज से दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया गया, तो फिर इसमें ईडी के वकील को इतनी मिर्ची कैसे लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जज साहब इनके फेवरेट थे जहां पर सिर्फ जमानत याचिकाएं खारिज होने का काम हुआ करती थी। कमाल का केस है और कमाल का मामला बनता दिखाई पड़ता है। हुसैन ने यह भी कहा कि यह फॉरम शॉपिंग का एक उत्कृष्ट मामला है, और यदि कोई पक्ष केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मामले की सुनवाई नहीं करेगा किसी न्यायाधीश पर जातीय आक्षेप लगाता है तो संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली में समस्या पैदा होती है। अब हाईकोर्ट में ईडी के वकील बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें पूरा भरोसा है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जब फैसला करेंगी तो हमेशा की तरह उनके पक्ष में ही निर्णय आने वाला है। लेकिन यही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कोयला घोटाले के दोषी एक नेता को इस बात से उनकी सजा को सस्पेंड करती हैं कि जाइए आप चुनाव लड़ लीजिए, नहीं तो आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बात पर ना तो अरविंद केजरीवाल को कहीं राहत मिल पा रही थी, और ना ही हेमंत सोरेन को, ना ही मनीष सिसोदिया को। केजरीवाल तो राहत पाए, अभिषेक मनु सिंह भी लगातार इसमें लगे रहे, लेकिन हेमंत सोरेन अभी तक बदकिस्मती ही साबित हो रहे हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर आरोपी के कहने पर मामले को इस तरह से स्थानांतरित किया जाता है तो यह न्याय का बहुत बड़ा मजाक होगा और सिस्टम पर धब्बा होगा कि लोग केवल झूठे आरोपों पर ही मामले को स्थानांतरित करवा सकते हैं। ये झूठे आरोप हैं, ये ईडी के वकील को कैसे पता है। अगर ऐसा था तो वहां के जज साहब ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। अगर इस बात में सच्चाई तनिक भी नहीं थी तो जज साहब कहते अपने सीनियर से कि नहीं, मैंने ऐसा कहा नहीं है, केस आप मेरे पास रहने दीजिए, आग्रह कर सकते थे। लेकिन ईडी के वकील अब कह रहे हैं कि वो महिला झूठी है और हाईकोर्ट में इस मामले में वो बहस कर रहे हैं। क्या कहा गया है, न्यायमूर्ति शर्मा ने यह सब सुनने के बाद क्या टिप्पणी की है वो हम आपको बताते हैं कि फिर तो मेरे बारे में भी बोलेंगे, मेरे बारे में तो बोलते ही हैं, तब वे मेरे बारे में भी कहेंगे, वे वैसे भी मेरे बारे में बातें कहते हैं। मतलब उनका एग्जैक्ट लाइन जो था, सोशल मीडिया को लेकर वो निशाना साध रही थी कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर भी पक्षपाती होने का आरोप लगता है। ठीक ईडी के वकील के बयान को दोहराने की कोशिश यहाँ पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा करती है। यहाँ लिखा गया है कि उन्होंने कहा, अगर इस तरह से मामला स्थानांतरित किया जाता है तो जज पर क्या असर होगा, मैं आदेश को संतुलित करने की कोशिश करूंगी, मैं बस सोच रही हूँ, पिछले 32 सालों से जज होने के नाते सोशल मीडिया की वजह से मेरे लिए भी इतने महीनों तक बहुत सी बातें कही जाती, इसका असर क्या होता है ना,
बताने वाले भी नहीं हैं। लेकिन जब जज यह मान लेते हैं कि ईडी के केस में जमानत की कोई गुंजाइश नहीं है, तब क्या कहा जा सकता है? तब ऐसे मामले में कुछ फैसला तो होना ही चाहिए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मानती हैं कि ऐसी टिप्पणी अगर सोशल मीडिया पर लगातार होती है तो हम जजों पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन इस मामले में अब मैं क्या फैसला करूंगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह बहुत ही कठिन होगा इस केस में आदेश पारित करना। वहीं आरोपित पक्ष के तरफ से संदीप सेठी वकील के तौर पर पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि यह एक प्रशासनिक आदेश था, क्योंकि यहाँ पर जो आरोपित पक्ष की महिला है उन्होंने कहा था कि मैंने जब जज को यह कहते हुए सुना तो मुझे सदमा लगा था। मैं मान बैठी थी कि जज साहब पहले ही तय कर बैठे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि वो इस केस में तो केस खारिज कर ही देंगे, ईडी के केस में जमानत तो मिलती ही नहीं है, इस वजह से इन पर निष्पक्ष सुनवाई का हम भरोसा नहीं कर सकते, और इसलिए वहां पर केस भी ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब हाईकोर्ट तय करेगा क्या वापस उसी जज के पास यह केस चला जाएगा या फिर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले में कुछ अलग फैसला करेंगे, इंतजार करना होगा। लेकिन ईडी ने देश भर में कितनी गंद मचा रखी है अब आप इस रिपोर्ट से समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।